देखिए क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका उद्देश्य होता है किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन या बंद का आह्वान, इसका उद्देश्य ये होता है कि आम जनों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि देश में सरकारें क्या कर रही है। आज जो 5 साल इस सरकार के पूरे हो चुके और जो कुछ कारनामा सामने आया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है। इस देश में स्थिति दिखाई जा रही है कि जी सब कुछ बहुत सही चल रहा है, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हमने चीन को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है कि लाखों आदिवासी को जंगल से उनके रियल जिसके वो मालिक है उनसे उनको छीन लिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका कोई वैकल्पिक उनकी व्यवस्था नहीं की गई और वो ज़मीनें कॉरपोरेट को सौंपी जा रही है। ये है सच्चाई इस देश की। तो ये इस धरने और बंद के माध्यम से ये संदेश आम जनों तक जाए कि भाई ऐसा इस देश में हो रहा है। जो 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में आप जान रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, मुस्तकिल लोकतंत्र में जब बड़ी आबादी किसी चीज़ का विरोध करे तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल इस पर उनके मन कानों पर जू भी नहीं रेंग रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि ये कतई गलत है, असंवैधानिक है। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सबों को अपने प्रतिभा का प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल पाए, वो ये सरकार देना नहीं चाहती है। ये कहीं ना कहीं जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखना चाहती है, उनके किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करवाना नहीं चाहती। ठीक है सर, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था, पूरी बहुजन को आवाज़ दी थी सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन वो भी इस समय दिखाई नहीं दे रही है। देखिए कुछ न कुछ समन्वय में कमी रही, और आपको पिछला 2 अप्रैल का याद होगा, और 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को इसी मंडी हाउस से हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था, वो भी याद होगा। समन्वय की कमी थी, लेकिन आपको सूचना मिल रही है, मुझे भी मिल रही है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कई और राज्यों में सुबह 7 बजे से ही बंद समर्थक सड़क पर हैं और बहुत सफल बंद है, पूरा चक्का जाम है, यहाँ तक के रेल यातायात को भी रोक दिया गया है। अब दिल्ली की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बजते-बजते दिल्ली की भी वातावरण बदल जाएगा। हमारे लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, आप जैसे चैनल के माध्यम से सारे लोग सड़क पर आ रहे हैं। हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम रोष प्रकट करने आए हैं, हम सरकार को संदेश देने आए हैं और जनता को संदेश देने आए हैं कि यदि ये सरकार नहीं सुनती है तो 2019 में इस सरकार को चलता करना है। इसकी जगह पर हमें अम्बेडकरवादी और संविधान समर्थक और लोकतंत्र समर्थक पार्टियों को अवसर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।